ओके, देन ड्राफ्टिंग में सपोज कर लीजिए कि ये हमने एक व्यू लिया, सेक्शनल व्यू, फिर ये व्यू है, फिर इसमें डायमेंशन है और उसमें टॉलरेंस भी दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायमेंशन के साथ टॉलरेंस। अब आप इसको डायमेंशनल टॉलरेंस बोल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमें करके फिर उसमें और क्या-क्या हो गया, फिर ये टाइटल ब्लॉक हो गया, हैचिंग वगैरह करना है, ब्रोकन आउट दिखाना है, उसके बाद और क्या होता है, पार्ट लिस्ट वगैरह भी हमें दिखाना पड़ता है। ये देखो बलूनिंग्स वगैरह है ना, ये सारे चीजें जो होती हैं वो प्रोडक्शन ड्राइंग में शामिल है, ठीक है? ये पार्ट लिस्ट हो गया, पार्ट लिस्ट में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नेम ऑफ द कंपोनेंट्स, मटेरियल्स एंड द क्वांटिटी। तो इस तरह के हमें प्रोडक्शन ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, ये ड्राइंग जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन इंजीनियर्स होते हैं, उसको एक बार एनालाइज करते हैं और उसके बाद प्रोग्रामिंग चालू करते हैं, फिर जॉब बन के हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है? ड्राफ्टिंग करने के दो तरीके हैं, एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो दोनों के बीच में लगता है थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके? ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको ड्राफ्टिंग में लेके चलता हूँ। ये हमारा न्यू आ गया। जब भी आप पहली बार लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव क्रिएटेड सम कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट नहीं होगा तो हम लोग ड्राफ्टिंग किसका करेंगे, ठीक है? तो मेक श्योर कि आपके पास बना बनाया कुछ पार्ट हो जिसका आप ड्राफ्टिंग करने वाले हो, ठीक है? ओके, अब जाके हम इस पे काम करेंगे। तो चलिए यहां से हमें क्या करना है, आप डायरेक्ट यहां से भी ले सकते हो। यू कैन सी हियर दिस ऑप्शन, यहाँ पे न्यू न्यू में जाने के बाद यू कैन सी आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, बराबर ना? उसके बाद ये पॉपअप खुल के आ जाता है आपके सामने, ओके? फिलहाल तो आप यहां से भी जा सकते हो और यहां से भी जा सकते हो, ठीक है? दोनों तरीके हैं, सही हैं। अब देखिए हम लोग किस मेथड में काम करने वाले हैं, तो मैं फर्स्ट एंगल भी दिखाता हूं और थर्ड एंगल भी दिखाता हूं, ठीक है? पहले प्रोजेक्शन मेथड को समझते हैं, बाद में हम लोग आगे का काम करेंगे, ओके? तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो होता है सॉलिड एज में सिर्फ फर्स्ट एंगल बाय डिफॉल्ट होता है, ओके? अगर आपको थर्ड एंगल में चाहिए तो वो सेटिंग हमें करनी होती है, तो यहां से आपको करना होता है। यहां पे जाइए, ये जो दिख रहा है आपको है ना, नीचे वाला दिख रहा था इधर कोने में, उसमें जाइए और इसमें जाना है आपको, सेटिंग में जाना है, ठीक है? सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शंस में जाना है, आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन ऊपर वाला, ठीक है? पहले इधर, फिर सेटिंग, फिर ये ऑप्शन, और ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ये सॉलिड एज का ऑप्शन है टोटल। अब यहां पर देखिए बाकी के सारे चीजें हमें जाने दीजिए, लेकिन ये दिख रहा है आपको ड्राइंग का स्टैंडर्ड, ठीक है? ये क्या है हमारा, ड्राइंग का स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट यहां पर किसमें है, किसमें है? हाँ, प्रोजेक्शन एंगल फर्स्ट, फर्स्ट लिखा है ना, ओके? तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट एंगल में ही होता है, और हम लोग क्या लिए हुए हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड का यूज किए हुए हैं। तो यहां पर मेक श्योर कि ये वाला ऑन है, ये बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन एक बार स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? तो ये आपका खुल के तैयार हो गया। हमें कहां पर जाना है याद है कुछ, देखिए यहां पे जाना है, जाने के बाद आपको देखिए कैसा एरो चेंज हो जाता है, उसके बाद आपको सेटिंग में जानी है, सेटिंग के बाद आपको ऑप्शंस में जाना है, और ऑप्शंस में जाने के बाद ऑटोमेटिकली ये हमारा ड्राइंग स्टैंडर्ड में जाके अटक जाएगा, ओके? उसके बाद आप एक बार कंफर्म हो लीजिए कि आप किस स्टैंडर्ड में काम करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट एंगल भी है इधर, और उसके नीचे हमारा थर्ड एंगल भी है, ओके? इस तरह से आप कर सकते हैं, स्किप कर दो। यहां से आप फर्स्ट एंगल मैं अभी रखता हूं, ठीक है? उसके बाद ओके कर दिया।
अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, व्यू विजार्ड में जाते हैं। मैं कोई ऐसा पार्ट लेता हूं जिससे हमारा प्रोजेक्शन स्टाइल पता चले कि फर्स्ट एंगल में ले रहा हूं या थर्ड एंगल में ले रहा हूं। सो समझ में आई बात? तो मैं थोड़ा सा इस तरह का कोई पार्ट लेता हूं जिससे आपको पता चले कि बाबा चलिए ये पार्ट मैंने लिया, ये देखो मैंने इसको खोल लिया है। थोड़ी देर में ये खुल जाएगा और खुलने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो इसका स्केल ऑटोमेटिकली बदलेगा। देखो यहाँ पे हमारा स्केल है, ओके, और स्केल से आप उसको बदल सकते हैं। और स्क्रॉल अगर किया हम लोगों ने तो भी आएगा, ठीक है। फिर से लेता हूँ व्यू विजार्ड, यहाँ से मैंने लिया पार्ट वन, एंड देखो यहाँ आप स्क्रॉल भी करेंगे, देखो 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया। फिर स्क्रॉल को पीछे लेंगे तो 10 गुना हो गया, फिर 5 गुना हो गया, फिर 2 गुना हो गया, फिर 1 हो गया, यानी एज इट इज जितना चाहिए उतना रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया, अब देखो इसका ये देख लो बराबर। अब मुझे बताइए, और इसको मैं सेलेक्ट करके यहां से प्रिंसिपल ले लेता हूं, यू कैन सी हियर। अब मुझे बताइए कि यहां पर हम लोगों को कौन सा एंगल समझ में आ रहा है, बताइएगा मुझे। और थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, यहां से आइसोमेट्रिक भी ले लेता हूं एक, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। और आइसोमेट्रिक में यहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं, और ये रहा आइसो व्यू, आई बात समझ में, ओके। और इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप यहां से शेडिंग वेडिंग भी ले सकते हैं, यहां से शेडेड कर दिया, यहां से आप अपडेट व्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ये हमारा कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। क्यों आपको ऐसा लगता है फ्रंट व्यू है सर? हाँ, क्यों लगता है आपको ये जो है हमारा व्यू, ये फ्रंट क्यों लगता है? वह है, आपने क्यों सोचा कि ये फ्रंट व्यू होगा? इसको क्यों नहीं बोला फ्रंट व्यू? या फिर इसको क्यों नहीं बोले? कुछ है जवाब? सोचो, अजी बोलो ना। अच्छा बोलो, क्या बोल रहा था मैं कि आपने इसको ही क्यों फ्रेंड भी सोचा? क्यों मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि ये हमारा फ्रंट व्यू है? ये क्यों नहीं लगा, ये कौन सा व्यू है, ये फ्रंट व्यू आपने बोला क्या? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मतलब जैसे ये भी हो सकता है वैसे ये भी तो फ्रंट व्यू हो सकता है ना, हो सकता है। तो आपने आपको क्यों ऐसा लगा कि ये हमारा फ्रंट व्यू नहीं है? क्यों बोलो ना, कारण बताओ। मैंने किसी दिन आपको बताया था कि फ्रंट व्यू जो हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है, ओके ना, और फ्रंट, हाँ, और फ्रंट व्यू से ही हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं, बराबर ना। तो हाँ, कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा, समझे ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हमने इस व्यू से कोई प्रोजेक्शन लिया है क्या, है ना, लिया है कि नहीं? नहीं लिया है, बराबर ना। इससे लिया है क्या कोई? बराबर है, हाँ। तब तो दैट्स व्हाई ये हमारा फ्रंट व्यू होगा, क्योंकि फ्रंट व्यू हमारा चाहे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हो या फिर थर्ड एंगल में हो, प्रोजेक्शन कैसा भी रहने दो लेकिन फ्रंट व्यू हमारा कांस्टेंट रहेगा, ओके।
और फ्रंट व्यू से ही हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं। हालांकि इससे भी हम लोग प्रोजेक्शन ले सकते हैं, दिखाऊं लेके। ये रहा प्रिंसिपल, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये देखो आया कि नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन तरीके भी होते हैं भाई, ये ऑब्जेक्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमारा, है ना। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं इस आइसोमेट्रिक व्यू पे, थोड़ा सा गौर कीजिए। अब देखिए, अगर ये हमारा फ्रंट व्यू है, बराबर है ना जी, हाँ, तो इस साइड से देखेंगे तभी तो ये आएगा ना। तो ये वाला कौन सा व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू है या लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, हा? बताइए। देखो गौर से, देखो गौर से, देखो क्या है, आराम से देखो, मैं मारने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ठीक है ना। तो सपोज कर लो कि ये तो राइट साइड हो गया ना हमारा, बराबर ना, और इसको रखे किस साइड में है, बराबर, शाबाश शाबाश। और ये कौन सा व्यू है हमारा, टॉप व्यू है, और इसको किस साइड में रखे हैं, बॉटम में, बॉटम में नीचे है ना। तो बताइए मुझे, यही हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड में रखा गया है और टॉप व्यू बॉटम में रखा गया है, तो समझ लो ये हमारा फर्स्ट एंगल है। अब मैं तुमको थर्ड एंगल में करके बताता हूं, आई बात समझ में। हाँ रुकिए, अभी मैं आपको चेंज कर रहा हूं, यहां से जाओ, सेटिंग में जाओ, ऑप्शन में जाओ, रुको ना, और थर्ड एंगल में लिया, क्लिक किया, इधर दिख रहा है क्या, ओके, आराम से देखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगने दो, मैं मेरे पास है, जब तक मैं अच्छे से नहीं आपको सिखा दूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, समझे क्या। तो ये हमने क्या कर दिया है, थर्ड एंगल पे ऑन कर दिया, ओके। अब यहां से मैं ओके करता हूं, और अगर आपने अपडेट कर दिया, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, ठीक है, रहने दो, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम इसको प्रोजेक्ट करके, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मूव कर लेता हूं इधर। अब देखिए, यहां से मैं प्रिंसिपल लिया, इसको सेलेक्ट किया, ये देखो राइट हैंड साइड व्यू अभी किस साइड आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। अगर मैं इधर लूंगा तो कैसे आ रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड व्यू का आ रहा है, दिख रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू कौन किस साइड में होगा, थोड़ा इधर गौर करो, आप इधर गौर करो, इधर से देखेंगे, है ना, तभी तो मतलब कैसा दिखेगा, मैं बताता हूं, ये ऐसा दिखने वाला है ना, हा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ, तो गौर से देखिएगा। अगर आप इधर से देखोगे तब देखो, ये फेस इधर वाला फेस है, बराबर ना, फिर ये जो फेस है हमारा वो है रिब वाला, फिर ये सिलेंडर, उस साइड से देखेंगे इस साइड में दिखेगा ना हमारा सिलेंडर। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया, हाँ, ओके, शाबाश शाबाश शाबाश, अभी जाके तुम्हारा थोड़ा सा क्लियर हुआ है। तो ये देखो, ये तो गलत आ गया हमारा, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं, या तो रहने देता हूं समझने के लिए। प्रिंसिपल ले लिया, इसको सेलेक्ट किया, ये देखो राइट हैंड साइड व्यू हमारा राइट में आया, और टॉप व्यू जो आने वाला है हमारा वो टॉप में आने वाला है, ये दिख रहा है क्या, क्यों, क्योंकि हमने अभी थर्ड एंगल में लिया है, तो इसलिए ये देखो कैसा है हमारा टॉप हैंड साइड, टॉप व्यू हमारा टॉप साइड में आया, दिख रहा है कि नहीं, इसका राइट हैंड साइड भी हमारा राइट में आ गया। तो यही तो फर्क है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में, हाँ। तो अरे लोकेशन नहीं रे पगला, ये डिजाइन कॉन्स्टेंट रहता है, लोकेशन का एक रहने दो ना, तो क्या है उसमें, लोकेशन तो मेरा कंसेंट ही था, कॉन्स्टेंट ही था, मैंने क्या किया, सिर्फ इसको जो है जगह में लाने के लिए किया है, बस समझे ना,
लोकेशन नहीं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कांस्टेंट रहता है। मैं जगह में लाने के मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ शीट जा रहा था ना हमारा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया बस, बाकी का क्या दिक्कत है। हाँ थर्ड एंगल में, हाँ उस नीचे में आएगा। हाँ समझ में आई बात। ठीक है ओके। चलो अब फर्स्ट एंगल कर दूं फिर से। ओके यहां से लिया, फिर से सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद आप चाहो तो ऑप्शंस, और फिर से आप ड्राइंग सेटिंग, और यहां से फर्स्ट एंगल पे ले लो और ओके कर दिया। ठीक है अभी मैं इसको हटा देता हूं, बस समझाने के लिए मैंने लिया था इसको, बाकी का हम लोग काम तो करने वाले हैं फर्स्ट एंगल में। ठीक है ये हो गया। अब होने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंसिपल लेना है। यहां से मैं इसको पकड़ के ऐसे कर देता हूं, और यहां से इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, एंड दैट्स इट। ये हो गया। अब देखिए सपोज यहां पे सेंटर वेंटर लेना है तो हम लोग मैन्युअली भी ले सकते हैं, यहां से दिख रहा है क्या। लेकिन अगर मैं इसको लेता हूं तो देखिए कैसे आराम से एक ही झटके में, और वन सेकंड पूरा एक दिख रहा है क्या, क्या आया जो सर्कुलर दिख रहा था है ना, उसमें ऑटोमेटिकली हमारा सेंटर आ जाएगा। इसमें तो नहीं दिख रहा है सर्कुलर है क्या, कुछ नहीं दिख रहा ना, तो यहां पर वो नहीं काम करता है, ये वाला बटन वहां पे नहीं काम करता है। उस जगह पर हमें सेंटर लाइन का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि यहां लिया और यहां पर लिया। ठीक है फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ओके। एंड उसी तरह से आप यहां से ऐसे भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई बात समझ में। यहां पर भी ले लेता हूं एक और, लाइक दिस वन एंड दिस वन, ओके यस ओके फाइनली डन। तो ये हमारा हो गया एक छोटा सा। अगर आप इसमें चाहते हैं आइसोमेट्रिक तो ये हमने लिया हुआ है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा ये हमें देखना है कि बाबा इसमें हमें कुछ तो टाइपिंग करनी है, डिजिटल कैड सॉल्यूशंस वगैरह इसमें डालना है हमें, बराबर है ना। ये सब चेंज करना है हमें, तो हम लोग कर सकते हैं आराम से। हालांकि ये सब आपको पहले ही कर लेना चाहिए, तो नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर व्यू में जाओ, व्यू में जाने के बाद बैकग्राउंड में जाओ। ओके बैकग्राउंड में जाने के बाद हमने कौन सा सीट लिया था, ये सीट कौन सा है, साइज, साइज हमें पता ही नहीं ना। वन सेकेंड यहाँ पे देखेंगे ना किधर गया, ए टू है ना, तो हमें क्या करना होगा, ए टू में जाना होगा। ओके ए टू में जाने के बाद देखिए यहां पे आप आराम से एडिट कीजिए इसको। ओके यहां पर आपको डालना है डिजिटल कैड, डिजिटल कैड सॉल्यूशंस। ओके बाहर क्लिक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर देखो ये हटाना पड़ेगा, यहां पे आपको डबल क्लिक करना है। टाइटल में क्या लिखेंगे, मैकेनिकल पार्ट कर देता हूं। ठीक है मैकेनिकल पार्ट, ओके दैट्स इट। यहां से ओके हो गया, ये देख लो। ठीक है साइज वगैरह यहां से आप चेंज कर सकते हो, दिख रहा है क्या, डबल भी कर सकते हो। ठीक है फिर यहां पर ड्राइंग नंबर वन कर देता हूं, इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने पर ड्राइंग नंबर वन, यहां से ओके, देन प्रीव्यू है 0 0 0, जो भी करना है कर दो, नो प्रॉब्लम, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ओके ये हो गया। और यहां से आज की डेट में डाल देता हूं, आज की डेट कितनी है, 21/08/2020। ओके
सो दैट्स इट। और यहाँ से आपको जो भी टाइप करना है ड्रॉन बाय, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, गौरव कर दे, GAURAV, यहाँ से ओके, देन चेक्ड बाय। अभी देखो यहाँ पे तो हमारे पास टेक्स्ट है नहीं ना, है क्या? नहीं है ना, तो हम वहां पे टाइप करेंगे, राइट क्लिक कर दो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से आपको शीट वन में चले जाना है, तो शीट वन में जाते ही आपके सामने ये पूरा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हमने शीट वन में ही काम चालू किया था ना। जो भी लिया था, A3 A2 लिया था हमने, A2 में एडिट करो और फिर से हमें शीट वन में चले जाना है। तो इस तरह से आपका टोटल अपडेट हो गया, ठीक है? ओके। हाँ, नहीं, यहां से आप नहीं कर सकते एडिट इसको, यहां से अभी आप नहीं कर सकते। अगर एडिट करना है तो आपको व्यू में जाना है, यहां से बैकग्राउंड में जाना है। हाँ, तो यहां से जाने के बाद, अरे क्या हो गया, हमने एडिट किया। अच्छा, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है आपको, तब जाकर, अरे ये मेरा A2 में था ना। देखो यहां से, तो ये मैं बताऊंगा ना टाइटल ब्लॉक का कैसे करना है सो एडिट, ठीक है? यू नॉट टू वरी, ठीक है? अभी आपको चिंता नहीं करना, मैं सब बताऊंगा, एक एक करके सब बताऊंगा, डोंट वरी। अब यहां से मैं होम में चला जाऊंगा, और होम में जाने के बाद देखिए यहां पर अगर आपको टाइप करना है कुछ तो, है ना, तो ये देख लो हमारा टेक्स्ट इधर मिल जाएगा हम लोगों को। किधर है टेक्स्ट? यू कैन सी हियर द टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट किधर, ये वाला टेक्स्ट लो। आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बाद में हम उसको मूव कर सकते हैं। ओके, चेक्ड बाय मिस्टर अंसारी। ओके, राइट राइट क्लिक कर सकते हैं, या तो बाहर क्लिक कर दो, है ना, बाद में आप इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको मूव भी कर लो, नो इश्यू। क्या हो रहा भाई, नहीं आएगा ना, इसको मैं करता हूँ, डोंट वरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, ठीक है? जस्ट मैं बाद में लेता हूँ फिर से। यहाँ से लिया मैंने टेक्स्ट, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर, देखो अभी ऐसा आ रहा है ना। अच्छा, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको कि किधर, इधर लो कहीं तो, बराबर है ना, इधर क्लिक करेंगे, ठीक है? मिस्टर राहुल कर देता हूँ, ओके, चेक बार हो गया ऐसा। इंटर विंटर नहीं करना, और यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, फिर देखो यहाँ पे स्केप स्केप कर दो, और उसके बाद इसको पकड़ के मैं उठा सकता हूँ, ठीक है? स्केप करके बाहर निकलना होता है, फिर आराम से मूव का आएगा ये, ठीक है? नो प्रॉब्लम, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर टेंशन नहीं लेना है। ओके, आ गया। हाँ, डबल क्लिक करना है, कंट्रोल एक। हाँ देखो, यहाँ से आपको डबल क्लिक करना है, ये देखो यहाँ से साइज है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, 6 कर दो, आया क्या? बोल्ड करना, बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का लेना है, 3 ले लो, नो प्रॉब्लम, आई क्या बात समझ में? तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा टाइटल ब्लॉक का। अब थोड़ा सा हमें ये भी देखना है बाबा, ये प्रिंसिपल का मतलब तो हमें समझ में आया ना। प्रिंसिपल से हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं, यू नो, ये देख लो प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है? अब बात करते हैं इस ऑक्सिलरी की। ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है कि सपोज आप इसके सीधे में, है ना, आप दिस पॉइंट और दिस पॉइंट को लेते हो, इस तरह से आने वाला दिख रहा है आपको, तो किसी भी टेपर फेस के रिलेटेड में अगर कुछ दिखाना है, कोई व्यू वगैरह, तो हम ऑक्सिलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाद में जा करके आप ग्रे वगैरह या वाट एवर जो भी आपको लेना है वहां से आपको। यार ये क्या आ रहा है हमारा, लेट्स इट, नहीं आया क्या ये, कहाँ आया, नहीं आया, अपडेट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, तब जा करके आएगा, ठीक है? ये दिख रहा है आपको? इस तरह से ऑक्सिलरी होता है, आप चाहो तो यहां से फिर से ले सकते हैं। इसको मैं हटाऊं थोड़ा सा, नहीं रहने देता हूं। क्या किया मैंने, ऑक्सिलरी लिया, ऑक्सिलरी में जाने के बाद इस फेस को क्लिक किया, ये आराम से आएगा,
यहाँ से आप पकड़ के ऐसा ले लो, आ गया, यू कैन सी दिस। तो ये जितना डिग्री में होगा उसके हिसाब से ये टोटल दिखेगा। कई बार कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से समझने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ये है हमारा डिटेलिंग। अभी डिटेलिंग का मतलब समझ में आता है क्या? सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दिया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेक्शन लेता हूँ। ये लिया मैंने कटिंग प्लेन, इस व्यू को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से एक सेक्शन लाइन लेते हैं, ओके। यहाँ से आपको क्लोज कटिंग प्लेन कर दिया, ठीक है, जैसा भी चाहिए आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आप सेक्शन लीजिए, सेक्शन में जाने के बाद इस पर क्लिक कीजिए एंड हियर वी हैव, आई बात समझ में, ओके। अब देखिए डिटेलिंग कैसे होता है। सो डिटेलिंग का मतलब ये है, सपोज कर लो कि मैंने इसको डिटेल में लिया, डिटेल में जाने के बाद सपोज कर लो कि इस पोर्शन को हमें डिटेल में दिखाना है, ओके, क्लिक कर देता हूँ। तो ये देख लो यहाँ पर इसको बड़े साइज में ऑटोमेटिक आएगा, और अगर आप चाहें तो इसका स्केल आप बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने इस व्यू को क्लिक किया, इस व्यू को हमें डबल क्लिक किया और ये देखो आप 5 गुना चाहते हैं तो 5 गुना आएगा, है ना। तो यहाँ से ज़्यादातर जितना में नीट एंड क्लीन दिख जाए उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। सिर्फ डिटेल में दिखाने से मतलब है, बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं होना कि बाबा इतना ही बड़ा होना चाहिए हमारा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका डिटेल व्यू। एक बार और लेके मैं दिखाता हूँ, सपोज कर लो कि इस पोर्शन को हमें डिटेल में दिखाना है, सो सेलेक्ट दिस पोर्शन और यहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो इसका नेम आया है CED, आप इसको प्लेस कर सकते हो इस तरह से और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिटेलिंग वगैरह भी दिखा सकते हो। क्या होता है कई बार जैसे कि मैं इसको खोलता हूं, थोड़ा ड्राइंग को अच्छे से समझने के लिए हमें डिटेलिंग दिखाना पड़ता है। मैं एक दो एग्जांपल दिख है, ये देखो, सोचो जरा इस पोर्शन को थोड़ा सा यहां पर, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सर्कल सर्कल छोटा सा, उस जगह पर डिजाइन कुछ ऐसा है, आई बात समझ में। लेकिन अभी वो अगर जूम करके नहीं दिखाता तो हमें डायमेंशन भी समझ में नहीं आता कि कितना दिया हुआ है, सो और इसका शेप कैसा है वो भी समझ में नहीं आता, आता क्या? अब देखिए यहां पर भी वो डिजाइन दिया हुआ है, तो इसको जो बनाया गया है उसका टोटल इस तरह से है। तो यहां पर बाजू में लेके अब आसानी से डायमेंशन भी डाल सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं उसके डिजाइन कैसा है कैसा नहीं है, आई बात समझ में। तो डिटेलिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ओके। तो हाँ, तो ये भी जरूरी है, नो प्रॉब्लम। अब इसको आगे बढ़ते हैं, आई बात समझ में ये सब। अब यहाँ पर जो दिया गया है वो ब्रोकन है। अब ब्रोकन किस में करते हैं, तो ज्यादातर ब्रोकन का मसला जो होता है वो हम लोग शाफ्ट जैसे चीजों में दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए, दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये जो है वो एक शाफ्ट, यहाँ पर उसको ब्रोकन दिखाया है, बराबर ना। तो ये भी बेहद जरूरी, मैं इसको दिखाना चाहूंगा, चलते हैं। मैं इसको डिलीट करूँ क्या? इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। चलो इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, ओके। अब जाके उस तरह से मैं कोई पार्ट लेता हूँ जिसमें हम ब्रोकन का इस्तेमाल कर पाऊँ, आई बात समझ में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि व्यू विजार्ड पे जाना होगा, और व्यू विजार्ड में जाने के बाद सॉलिड एज, और जहां पर हमने कोई पार्ट लिया हुआ हो, हमने, मुझे नहीं लगता शेपिंग मशीन का लिया था ना हमने,
ग्रब स्क्रू, या फिर यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आसानी से पता चल जाए बाबा। हाँ ये वाला स्क्रू रड दिख रहा है। ओके, आप चाहो तो यहाँ से आइसोमेट्रिक भी ले सकते हो, लेकिन हमें वैसे अभी तो नहीं चाहिए। एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा गौरव, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसका बहुत फायदा हमें हो जाता है। बहुत फायदा मतलब कैसे होता है कि जैसे ही मैंने कोई पार्ट लिया, जैसे कि व्यू विजार्ड, और यहाँ से मैं स्क्रू रड लिया, स्क्रू रड में जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो एक साथ आप, ये कौन सा व्यू है, ये कौन सा व्यू है, और ये वाला, ओके कर दो। कैसा आ रहा है देखो तो, तीन चार व्यू आ रहे हैं कि नहीं एक साथ, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू। अभी देखो इसका मैं एक और एग्जांपल इससे लेता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, ये वर्टिकल स्लाइड लिया, ये हमारा कैसा एक पार्ट आया ना, इसका स्केल, हाँ इसका स्केल मैं 1:1 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये है हमारा 1 और ये रहा हमारा 2। बराबर, इसको ऑफ कर दो, ठीक है, इसको मैंने ऑफ कर दिया और ओके कर दिया। देखो कैसा आ रहा है, देखो एक बार में ही आ रहा है, समझ में आई बात। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है, अगर हाँ, नो प्रॉब्लम। आई बात समझ में, व्यू विजार्ड लेता हूँ, व्यू विजार्ड में जाने के बाद स्क्रू रड, स्क्रू रड में जाने के बाद आपको ऐसे क्लिक कर देना है। ओके, अब देखिएगा मैं थोड़ा डायमेंशन ले लेता हूँ ताकि आपको एक, ये देख लो यहाँ पे कितना जितना भी है मैं ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने कितने का ले लिया, सपोज मैंने 140 का लिया। ओके, 140 का लेने के बाद हमें क्या करना है, और देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका डायमीटर भी वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम डायमीटर नहीं आ रहा था ना हमारा, हाँ, तो देखो तो ये अभी कितना आसान है। हम लोग उस समय ट्राई किए लेकिन उस समय नहीं आया, फिर बाद में मैंने देखा तो आया। देखो इन, इसको सेलेक्ट करो कंट्रोल, और इसको भी सेलेक्ट करो, और ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाला, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कंट्रोल, इसको भी सेलेक्ट, और यहां पे आपको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यू कैन सी, देखो आसान था ना, इस जगह पर आपको पहला ही ऑप्शन है, इधर देखो यहां पे क्लिक कर दो, अप्लाई एंड देन ओके, आया क्या। आप इसको बाहर ले लो, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसको भी हम बाहर ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, समझ में आई बात। अब यहां पर हम लोगों को ब्रोकन का इस्तेमाल करना है, तो देखिए यहां पे ब्रोकन, एक मिनट है, ब्रोकन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं सो आपको दिखाना है। देख लो यहां पे क्या है, सो देखिए यहां पे क्या करना है। तो ये पहले आपको व्यू सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप व्यू को सेलेक्ट नहीं करेंगे या पार्ट को जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ब्रोकन व्यू हमारा एक्टिव दिखेगा ही नहीं। अभी एक्टिव है क्या, देखो तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो वैसे ही ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबा हमारा कमांड तो एक्टिव ही नहीं है, तो फिर उसका इस्तेमाल हम करें तो करें कैसे, ठीक है। तो अभी जो है हमें ये बात को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सेलेक्ट द व्यू और द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, है ना। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस पे हम इस ब्रोकन कमांड का इस्तेमाल करने वाले हैं, आई बात समझ में, तब जाके ये हमारा ऑन हो जाता है। चलिए मैं स्किप कर देता हूँ इसको और अप्लाई करते हैं फिर से। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये रहा हमारा ब्रोकन व्यू, और ब्रोकन में देखो यहाँ पे देखो ये हमारा वर्टिकल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो फिलहाल तो यही चाहिए हमें, हाँ, और यहाँ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12.7 mm का है। वी कैन चेंज द डिस्टेंस अपॉन 5 mm का कर देता हूँ, और मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। ओ ये गलती आ गई ना, फिनिश करके देखता हूँ मैं,
ये आ गया, सही तो आ गया, बराबर ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, लेकिन याद रखिए अगर हमने किसी भी तरह से ये ब्रोकन का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हमारा यहां से यहां तक का डायमेंशन चेंज हो जाएगा। नेवर, नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता, चेंज नहीं होता। और यही तो, हाँ, ब्रोकन का मतलब यही है कि बाबा आपका स्पेस जो है वो बचाता है। हाँ, स्पेस जो है हमारा बचाता है, बाकी का और कुछ नहीं, ठीक है, स्पेस बचेगा। अगर मैं अंडू करके दिखाता हूं तो कैसा है हमारा, देख लो, ये कुछ ऐसा है, 140 ही है, है ना। अभी मैं फिर से इस व्यू को सेलेक्ट करूंगा, फिर से यहां से मैं ब्रोकन में जाऊंगा और यहां से क्लिक किया और देखो मैंने इतना स्पेस को कम कर दिया और जाके यहां से हमें फिनिश, दोनों के बीच का जो गैप डिस्टेंस है वो आप यहां पे ले सकते हो। आई बात समझ में? तो यहां से हम फिनिश कर देंगे, ये देख लो, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब जाके अगर आप सोचेंगे कि बाबा इसका जो टाइप है, मतलब होता है ना ब्रोकन का स्टाइल टाइप होता है, ये चेंज करना है कि नहीं करना है, तो यहां से आपको डबल क्लिक करना है। तो यहां पे जो देख लो, यहां पर कोई भी ऐसा नया नहीं आने वाला है, एज इट इज जो है सो वही रहेगा, सीधा सीधा, समझे क्या, यू जिगजैग विगजैग है। शायद इसमें दिया नहीं है कि क्या है, पता नहीं, इस पे आप डबल क्लिक कीजिए, नहीं आ रहा ना, इसमें वैसा ही आता, मैंने बहुत देखा है ना, जिगजैग होता है और ब्रोकन का होता है ना सिंबल इस तरह से, मैं दिखाता हूँ, हाँ पीडीएफ में है वैसा, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है ना। लेकिन सॉलिड एज में देखते हैं थोड़ा सा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ उतना ही है, लेकिन आना चाहिए, देना चाहिए था इसको, क्या बोलते हैं कि नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ से ब्रोकन में जाना है, ब्रोकन में जाने के बाद देख लो यहाँ पे विजिबल, ये देखो यहाँ पे है सब कुछ, ठीक है। तो ये होता है हमारा, थोड़ा सा देख लेते हैं टेंजेंट या पैंथम, ये डॉटेड है, बराबर है क्या, उसमें कितना फ्रंट दिखेगा कितना नहीं, यही उसका है, बाकी का लाइन टाइप चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड में था, यहाँ पे डॉटेड में दिख रहा है, बराबर ना। हाँ तो ऐसा, तो देखते हैं एक दो अगर उसमें ऑप्शन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से लिया, फिर आपको ब्रोकन में जाना है, ब्रोकन में जाने के बाद वी कैन देख लो यहाँ से हमें कैसे लेना है, सेंटर कटिंग प्लेन, देखते हैं कटिंग प्लेन का क्या आता है, सो फिनिश कर देता हूँ, ये देखो ऐसा दिख रहा है, वी डोंट नीड दिस एक्चुअली, है ना, सीधा ही रहने देते हैं। एक बार और देख लेते हैं यहाँ से ब्रोकन, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, दिख रहा है ना, उतना ही है बस, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल ब्रैक, बाकी का कुछ नहीं, बस अच्छा मिला तो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, फिलहाल तो, हाँ फिलहाल तो नहीं दिख रहा यहाँ पे। तो इस तरह से विच टाइप ऑफ लाइन यू वुड लाइक टू अप्लाई इन दिस पोर्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रोकन का ऑप्शन। अभी देखिए कटिंग प्लेन, अभी कटिंग प्लेन का मैंने थोड़ा सा दिखाया है डेमो, बराबर क्या, लेकिन एक बार मैं और दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने क्या किया, एक लिया व्यू विजार्ड, व्यू विजार्ड में जाने के बाद हम क्या करते हैं, इधर से कुछ भी ले लेता हूं, यहां से सपोज कर लीजिए मैंने स्विवेल प्लेट ले लिया, स्विवेल प्लेट में जाने के बाद देखो यू कैन सी हियर, ये मैंने 1:1 का स्केल लिया है, पता है, ये देख लो यहाँ पे स्केल जो है हमारा 1:1 का है, ओके। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ऐसे तो नहीं जाना, हमें सेक्शन लेना है, बराबर ना। तो ये तो हमारा हो गया, अब देखिए इसका हम सेक्शन लेते हैं, कैसे लेना है सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, कटिंग प्लेन पे क्लिक करना है, कटिंग प्लेन पे लेने के बाद आपको व्यू पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहां से ड्रैग करके देखिए ये रहा ओके, और उसके बाद आपको क्लोज कटिंग प्लेन को ऑन कर देना है, इधर चाहिए इधर चाहिए, देख लो
क्योंकि हम लोग फर्स्ट एंगल में काम कर रहे हैं तो आपको इस साइड ही लेना है, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, सेक्शन, सेक्शन में जाने के बाद सेलेक्ट दिस सेक्शन लाइन एंड यू कैन सी व्हाट वी हैव क्रिएटेड। ओके ओके, नाउ सी व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अप्लाई सम सेंटर लाइंस। यहां से आप देख सकते हो ये रहा ऑटोमेटिक सेंटर लाइन, ठीक है। ऑटोमेटिक सेंटर लाइन सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए इधर इस व्यू पे, ये तो नहीं आ रहा, ये देख लो आया क्या, ये हो गया। और इस पे भी क्लिक कर देता हूं, इसमें आ गया है, इसमें भी आ गया है, लेकिन इसमें भी तो आना चाहिए ना। सेक्शन का टेक्निकल मतलब होता है कि अगर आप इस पार्ट को बीच में से काटते हैं, सपोज कर लो कि आपके पास कटर मशीन है, कटिंग मशीन है, और इसमें से बीच में से काटते हो, तो जो पार्ट, जो पोर्शन हमारा कट रहा है ना, तो वो हैचिंग में दिखाएगा, और जो पोर्शन आपका नहीं कट रहा है वो सॉलिड में दिखेगा, दैट्स इट। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मैं क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने बीच में से काटा, ये देख लो यहां, अगर मैं बीच में से काटता हूं इसको, एकदम फाड़ देता हूं, समझे क्या, तो उस तरह से दिखने वाला है। आई बात समझ में, व्यू में जाके हम लोग इसका सेक्शन वगैरह भी ले सकते हैं, यू नो, खैर मैंने दिखाया नहीं है बट दिखाऊंगा आपको। तो यहां से मैंने क्लिक कर दिया, अरे यार नहीं आ रहा क्या, अच्छा वन सेकेंड, ऐसे तो नहीं दिख रहा है, किधर है इसका सेक्शन, यार दिमाग खराब, व्यू टूल्स, होम में जाके सेक्शन दिख रहा है क्या इधर कहीं, तो देखो तो नहीं है ना, अच्छा ठीक है, यहाँ से जाके मैं ट्रांजिशन टू ऑर्डर में जाता हूँ, तब जाके चेक करता हूँ इसका सेक्शन, सपोज कर लो रिसाइज डिलीट कैसे सेक्शन राउंड, यार ये दिमाग खराब होता है मेरा, टीयर ऑफ। ओके अभी रहने देता हूँ, ठीक है गौरव, चलो इसको मैं क्लोज कर दिया, इसको नो करता हूँ, ठीक है। हम आ गए ड्राफ्टिंग में, तो अब देखिए ये हमारा सेक्शन हो चुका है, और यहाँ पर अगर हम सेंटर लाइन शो करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जाइए और इन दोनों लाइंस को हमें क्लिक कर देना है, तो बीच में आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको पकड़ के मैं इंडिविजुअली बड़ा भी कर सकता हूँ लाइक दिस, ये हमारा एक सेक्शन हो गया। आई बात समझ में, यस। नाउ सी ये क्या होता है, ये ब्रोकन आउट है, यहां पर गौर से देखिएगा कि एक हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा हम आपको इस जगह पर लेकर के चलते हैं, गौर से देखिएगा क्या ये वाला, ये पोर्शन देखा है ना, तो इसी को कहते हैं ब्रोकन आउट। आई बात समझ में, इसी को कहते हैं ब्रोकन आउट। अब ब्रोकन आउट को दिखाने से ये फायदा होता है कि अंदर का जो डिजाइन है वो हमें आसानी से समझ में आता है। ओके तो उसी तरह से यहां पर हमें लेना है, तो सपोज कर लीजिए कि मैं अगर पूरा सेक्शन नहीं दिखाना चाहता है ना, मैं क्या करता हूं, इसको मैंने हटा दिया, यस किया, मैं यहां से क्या करता, प्रिंसिपल लिया और इसको मैंने क्लिक किया और ऐसा ले लिया, ठीक है, ऐसा तो दिख रहा है सब बराबर मस्त, नो प्रॉब्लम, बट मैं पूरा सेक्शन नहीं दिखाना चाहता, सिर्फ इतना ही दिखाना चाहता हूं, ठीक है। देखो यहां से मैं क्या करता हूं, ब्रोकन आउट लिया, ब्रोकन आउट में इस व्यू पे क्लिक करूंगा, और इस व्यू पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूं, एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, यहां से पकड़ के मैंने इतना लिया, ओके
इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, क्लोज ब्रोकन आउट सेक्शन, ये हो गया। अब देखिए इसको सेंटर तक आप दिखाना चाहते हैं तो देख लो यहां पे सेंटर तक दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको हो गया ना भाई, इंटर करते हैं नहीं आ रहा, राइट क्लिक करेंगे, अरे क्या हो रहा, वन सेकेंड हो तो होना चाहिए था इसको तो। हाँ ये देखो, क्लिक करना है उस व्यू पे, एक बार फिर से देख लो तब, ठीक है मैं अंडू करता हूँ फिर से, वन सेकेंड इसको मैं डिलीट किया। अब देखो फिर से लेता हूँ प्रिंसिपल, इस व्यू को क्लिक किया और ये मेरा आया एक व्यू, स्किप कर दो। उसके बाद क्या है, यहां से मैंने लिया ब्रोकन आउट, और ब्रोकन आउट में जाने के बाद इस व्यू को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जितना पोर्शन ब्रोकन में दिखाना चाहते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, सर्कल भी ले सकते हैं, लाइन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आई बात समझ में, और किसी भी शेप का ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्कुलर है या रेक्टेंगल है, आपकी मर्जी, ओके। फिर यहां से क्लोज ब्रोकन आउट सेक्शन पे क्लिक कर देना है ना। अब कहां तक आपको लेना है, तो सेंटर तक लेना है और इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है। ये देख लीजिए जितना पोर्शन आपको कटिंग करना था उतना पोर्शन आपने दिखा दिया, आई बात समझ में। अब इसका एक और लॉजिक समझिए, हम ये जो चीज है ना वो 3D में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया व्यू विजार्ड, मैंने इस पार्ट को ओपन कर दिया, और इस पार्ट को ऐसे नहीं करूंगा, मैं लूंगा आइसोमेट्रिक में, ये रहा, और इसको मैं पकड़ के कर देता हूं, हाँ आइसोमेट्रिक ले लिया, ओके, और यहां से थोड़ा सा मैं इसको ग्रे में ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ले लिया, ये हो गया हमारा। ये काम हम यहां पर भी कर सकते हैं। तो आप ब्रोकन लीजिए और इसको हमें इसको हमें क्लिक करना है। अरे नहीं हो रहा क्या, नहीं हो रहा जी, अच्छा तो कैसे करेंगे इसको हम, ये लिया ब्रोकन आउट, अरे भैयो कैसे करना है, सेलेक्ट सोर्स, इट इज नॉट प्रॉपरली, अच्छा ठीक है, यहां से मैं अगर ट्राइमेट्रिक में लेता हूं तो चेक करता हूं, फिर लेता हूं ब्रोकन, यहां पर गौरव इसमें ब्रोकन भी अभी अप्लाई नहीं हो रहा, मैं चेक करता हूं क्यों नहीं हो रहा, फिर बाद में बताता हूं, ठीक है, ओके। तो इस तरह से सिंपली हम लोग ब्रोकन अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसी में से, मैंने लिया व्यू विजार्ड, व्यू विजार्ड में यहां पर नहीं जाता हूं, अगर दूसरा पार्ट अगर एक ही शीट में ऐड करना है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यू कैन सी द ब्राउज ऑप्शन हियर, समझ में आई बात, ब्राउज पे आपको जाना है, यहां से आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, ब्राउज में जाने के बाद वर्टिकल स्लाइड ले लीजिए, एंड हियर वी हैव, बहुत बड़ा आ रहा है तो हम इसका स्केल थोड़ा कम कर देते हैं, यू नो, आई बात समझ में, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इधर सरका देता हूं और इसको भी इधर सरका दिया, ठीक है। अब देखिए इसका जो है, मैं प्रिंसिपल लेता हूं, यहां से इसका मैंने टॉप व्यू ले लिया, सही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं बाबा इसका सेक्शन भी ले सकता हूं मैं, है ना, पूरा सेक्शन भी ले सकता हूं, अगर थोड़ा भी दिखाना है तो हम लोग थोड़ा सा भी दिखा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक काम कर लेता हूं, यहां से पकड़ के इस व्यू को सिलेक्ट कर दिया, तो जितने भी सेंटर लाइन थे ऑटोमेटिकली हमारा एक ही झटके में आ गया, और अगर मैं इसको भी क्लिक करता हूं तो इसमें भी सारे सेंटर लाइंस एक ही झटके में आ गए, आई बात समझ में। अब देखिए और क्या करना है, और ये करना है हमें सेंटर, यहां से ले लेता हूं कटिंग प्लेन, कटिंग प्लेन में लेने के बाद आप यहां से इसको क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद हमें सेंटर लाइन यहां पर लिए और यहां से किया क्लोज, ओके, ये इधर से मैं इधर या फिर इधर, ओके कर देता हूं, इधर पकड़ के,
ठीक है, फिर यहां से लेता हूं सेक्शन, सेक्शन में जाने के बाद इस सेंटर लाइन में लिया एंड यू कैन सी फुल्ली सेक्शन आ गया, ये हमारा फुल्ली सेक्शन है। ओके अब थोड़ा सा बात करते हैं, मुझे पूरा सेक्शन नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ इतना भर ही दिखाना है यू नो, तो उसके लिए हम लोग ब्रोकन आउट का इस्तेमाल करते हैं, इस ब्रोकन को लिए और हमें क्या करना है इस व्यू पे अप्लाई करनी है ना, ये हम खुल गया, एक रेक्टेंगल ले लेता हूं इधर से पकड़ के, ये रहा रेक्टेंगल बाय टू पॉइंट्स और इतना पोर्शन मैंने कवर कर दिया। ठीक, यहां से मैं क्लोज ब्रोकन और क्या करना है यहां तक ले लेता हूं मैं, सेंटर तक लेना है तो सेंटर तक जाइए आराम से, नो प्रॉब्लम, दिख रहा है गोल गोल, ओके और फिर यहां पर जाके आपको क्लिक कर देना है। तो देख लीजिए यहां पे जितना पोर्शन हमें ब्रोकन में दिखाना था उतना ही पोर्शन हमने ब्रोकन में दिखा दिया, आई बात समझ में, यस दिस इज द वे। अच्छा एक और चीज जो है वो मैजिक टूल मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम मैनुअली तो डायमेंशन डाल सकते हैं, आई बात समझ में, मैनुअली हम लोग डाल सकते हैं डायमेंशन, लेकिन एक ये कमांड जो है ये रिट्रैक्ट डायमेंशन, रिट्रैक्ट डायमेंशन जो है वो बड़ा कमाल का है, ये वाला ऑप्शन। इससे क्या होता है आपके किसी भी व्यू का सबसे मतलब मैक्सिमम डायमेंशन हमारे आ जाते हैं, मैं इसका इस्तेमाल तो नहीं करता और आपको भी नहीं बोलूंगा करने के लिए, लेकिन जानने के लिए ये देख लो क्योंकि ये किधर भी आता है डायमेंशन और कैसा भी आता है। देखिए कैसा है, इसको मैंने क्लिक किया, इस व्यू को सेलेक्ट किया एक ही झटके में आ गया ना, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम होता है, यू कैन सी हमें बस थोड़ा अरेंज करना होता है बाकी और कुछ नहीं, सब कुछ आ गया देख लो है ना, टाइम, हाँ आपका टाइम सेविंग तो कर देता है थोड़ा सा, ओके हो गया, समझ में आई बात। एक और चीज है यहां पर देखो, ये जो ऑप्शन है हमारा सेंटर लाइन का, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पकड़िए, आई एम सॉरी इसको पकड़िए, ये सेंटर लीजिए और यहां तक, ठीक है ये तो टोटल आ गया, इसकी जरूरत है क्या टोटल लेने की, अंडू कर देता हूं, हटा दिया मैंने, तो आर्क अगर लेना हो तो कैसे करेंगे फिर यहां क्या है? इधर इधर ये वाला, ये तो आएगा, ये आएगा उसमें कुछ, आर्क किधर है, ये वाला बोल्ट होल है सर्कल, ये है ना, खैर यहां से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, सो दिख रहा है क्या, ये क्या है हमारा सर्कल बाय थ्री पॉइंट, सेंटर वाला किधर है हमारा, आर्क ले लो उधर से, आर्क बाय सेंटर पॉइंट, ठीक है सेंटर पे क्लिक करो, पहला पॉइंट यहां से लूंगा, दूसरा यहां पर लूंगा, ओके और इस लाइन को पकड़ के हमें क्या करना है सेंटर में लेना है, थोड़ा सा अभी मैनेज करना, नहीं तो इसका ऑप्शन दिया, हाँ अच्छा इसके बारे में तुम बोल रहे हो क्या, ये वाला, हाँ तो ये वो लाइन के लिए है, आर्क के लिए नहीं है देखो तो मैंने लिया है ना, नहीं हो रहा सेलेक्ट, कौन से सर्कल का, ये वाला, अच्छा देखेंगे ना इसका भी सॉल्यूशन है, यहां पर देखते हैं, ये रहा ऑटोमेटिक सेंटर लाइन, इसमें भी आना चाहिए था दिख नहीं रहा, देखते हैं ना क्या है उसमें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी नहीं बोल सकते कि नहीं है सो, है ना ठीक है चेक करेंगे। तो ये एक तरीका हो गया, अगर आप इस व्यू को लेना चाहते हैं तो इस व्यू को डायरेक्ट क्लिक कर दो, तो नहीं आ रहा रे, सेलेक्ट यहां से रिट्रैप डायमेंशन, ये तो आ ही नहीं रहा,
एक ही व्यू में आया, ऐसा क्यों? तो यहां पर जो है ऐसी जगहों पर आपको क्या करना होगा, मैनुअली डायमेंशन लेने पड़ेंगे, ठीक है? यू कैन से दिस, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी यहां पर हम लोगों को और क्या देखना है, यहां से होम में चला जाता हूं। फिलहाल जो है हम लोग इतना ही देखेंगे, बराबर? क्या ये दोनों ऑलमोस्ट थोड़ा सा कवर हो गया है, बाकी का ये जो पार्ट लिस्ट वगैरह है ये असेंबली के लिए है। जैसे कि मैं एक डेमो दे देता हूँ, सपोज मैंने इसको हटा दिया, सपोज मैंने इन सब को हटा दिया, मैंने इसका असेंबली लिया था ना। ओके, देखते हैं यहाँ से व्यू विजार्ड और देखते हैं इसका असेंबली कहाँ है। मैंने पूरा असेंबली नहीं दिखाया था ना, लेकिन दिखाया था क्या पूरा? हाँ हुआ था, लेकिन किधर सेव किया मैंने इसको, उसे सॉलिड एज में नहीं रखा ना मैंने। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, असेंबली तो नहीं दिख रहा। हाँ ये फ्लेक्सिबल का है। अरे इसका असेंबली किधर है? ओह सॉरी सॉरी, यहाँ असेंबली रखो तब मिलेगा। आई बात समझ में? अच्छा, शेपिंग मशीन का भी होगा क्योंकि मैंने क्या किया, ये दिख रहा है? चलो ये हो गया हमारा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज्यादा है ना। तो इस तरह से मैंने लिया एक पार्ट, और आप चाहे तो यहां से क्या कर सकते हैं, टॉप या बैक या फ्रंट, जैसी आपकी मर्जी हो यहां से हम लोग ले सकते हैं, बराबर है क्या? ठीक है, फ्रंट व्यू यू कैन सी दिस वन, ठीक है? और यहां पे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इधर जाके थोड़ा सा ऐसा ले लिया मैंने, तो इट विल लुक लाइक दिस। मैंने सारा पार्ट नहीं लिया, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है? ये देख लो, ये मेरा एक असेंबली आ चुका है। अब इसका अगर पार्ट लिस्ट की हम बात करेंगे, एक ही झटके में आता है, क्लिक करो इस पे, सेलेक्ट करो एंड यू हैव दिस पार्ट लिस्ट। आई बात समझ में? एक झटके में नहीं, इसको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, मटेरियल डालने के लिए है ना। अगर आपने इस पे मटेरियल अप्लाई किया है तो यहां पर ऑटोमेटिक आएगा। मैं वो बताता हूं, पूरा अभी डिटेल में नहीं बताया है ना। ओके, बाकी का आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके ओके।